told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals. हेलो फूडीज, वेलकम टू आवर चैनल फूडी सांड। दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए आपके लिए कुछ स्पेशल नहीं लाए हम, तो हमने सोचा कि आज कुछ स्पेशल चीज़ ढूंढी जाए और इसलिए आज हम आए हैं रमा विहार। दोस्तों, रमा विहार नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, पहले मैं आपको बताऊं तो सामने ही हमारा रिठाला, ये रोड जा रही है तो अगर आप सीधा जाएंगे तो रिठाला मेट्रो स्टेशन आपको पड़ेगा। अब कहाँ आए हैं हम, क्वेश्चन है ये। तो आज हम आपको खिलाने वाले हैं दुखी राम। जी हाँ, दुखी राम के समोसे। नाम यूनिक है ना, यहाँ के समोसे भी यूनिक है। चलिए आइए, ये तो दुखी राम नाम है इनका, लेकिन ये आपको जरूर खुश कर देंगे, इतना हम गारंटी ले रहे हैं। भीड़ देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे अभी जब हम आए थे तो काफ़ी भीड़ थी, अब धीरे धीरे लोग जा रहे हैं पर सब बच्चे, आंटी, अंकल सब इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या ये दिल्ली के नंबर वन समोसे हैं या नहीं, जो उन्होंने दावा कर रखा है। आप देख सकते हैं दिल्ली का नंबर वन समोसा सिंस 1995। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि दिल्ली में कम से कम इनकी 24-25 ब्रांचेस है, ऐसा इन्होंने हमें बताया। आइए देखते हैं कि क्या सच में इतने स्पेशल हैं यहाँ के समोसे। तो दोस्तों, हमने देखा यहाँ पे कि पूरी फैमिली बैठ के इन्जॉय कर रही है यहाँ का समोसा, तो सबसे पहले हमने सोचा कि चलिए कस्टमर रिव्यूज़ ही ले लेते हैं और पूछते हैं इनसे कि क्या इनको अच्छा लगा इस समोसे में। हेलो सर, नाम बताइए आपका। मुकेश मित्तल। मुकेश मित्तल मैम, आप नाम बताइए। मोनिका मित्तल। मोनिका मित्तल। तो सर, कैसे लगा समोसा? बहुत बढ़िया भाषा। आप पहले भी खा चुके हैं यहाँ पे? कई बार। अच्छा, हर बार आते ही खा के जाते हैं। अच्छा, मतलब मैं नांगले से आता हूँ। अच्छा जी सर, जब भी मैं गौशाला जाता हूँ यहाँ समोसे जरूर खा के जाता हूँ। अच्छा, क्या बात है। तो कुछ स्पेशल है इनके समोसे में जो दूसरी जगह पे ना हो, कुछ अलग ना, बात? ना, ना, इनके लिए स्पेशल तो कुछ भी ना भाई, समोसा टेस्ट। अच्छा, नॉर्मल मसालों में मतलब अलग जादू कर देते हैं। अच्छा, क्या बात है। दोस्तों, आप देख सकते हैं पूरी फैमिली बैठ के खा रही है यहाँ पे, तो आप खुद ही सोचिए कितने स्पेशल समोसे होंगे यहाँ के। तो चलिए आइए, अब हम भी टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको कैसे समोसे यहाँ के। दोस्तों, अभी हम बैठे शॉप के ओनर के साथ, आइए, और इनका नाम है राम रतन जी। राम रतन जी से पता करते हैं कि एक्चुअली इस दुकान की हिस्ट्री क्या है। आई मीन, ये नाम सुन के आपको भी लग ही रहा होगा ना कि यार ये नाम कैसे पड़ा दुकान का। आइए यही पूछते हैं पहले। नमस्ते सर। सर, आप बताइए सर कि ये नाम कैसे पड़ा दुखी राम, काफ़ी यूनिक नेम लगा सर। एक्चुअली ये हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग थे। अच्छा। उनका नाम दुखी राम था। अच्छा। उनके नाम से पहले हमारा ये काम हरदोई में था, यूपी में। अच्छा, यूपी में। उसके बाद फिर हम लोग दिल्ली में आए और दिल्ली में आके हमने इसी नाम से यही काम शुरू किया। अच्छा। और आज भगवान की दया से बहुत अच्छा, करीब 20-25 अपनी दुकानें हैं। 20-25 ब्रांचेस? 20-25 ब्रांचेस दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में। क्या बात। जो कि हमारे से ज़्यादा हमारे कस्टमर उस चीज़ को बोलते हैं। अच्छा। हमारे कस्टमर आके हमें बोलते हैं कि हमारे वहाँ भी दुकान खोलो। अच्छा। क्योंकि हमें माल लेने के लिए दूर आना पड़ता है। अभी आपने देखा होगा कि कितने कस्टमर थे हमारे पास। मैं देख रहा हूँ पूरी फैमिली बैठ के खा रही है, मतलब सुबह से लेके शाम तक हमारा समोसे, जलेबी, मीठा समोसा। अच्छा। मीठा समोसा हमारा बहुत फेवरेट डिश है। अच्छा। उसमें हमारे हम लोग खोया साथ में ड्राई फ्रूट मिक्स करके वो डालते हैं और वो बहुत ही टेस्टी है, बहुत गजब का टेस्ट है। वैसे ही अभी आपने कस्टमर से भी बात की, आपने पूछा, उन्होंने बताया कि क्या, वो तो मैं नहीं बताऊंगा, तो कस्टमर ने आपको बता दिया। बहुत ही अच्छा, बहुत टेस्ट है। सही बात है। साथ में हमारा समोसा खाने की खासियत ये है कि आपको खट्टी डकार नहीं आएगी। अच्छा। पेट में एसिडिटी नहीं होगी, क्योंकि हम ओरिजिनल चीज उसके अंदर डालते हैं। अच्छा। हमारे जो मसाले हैं वो बिल्कुल प्योरिटी के मसाले हैं। मार्केट में सबसे टॉप क्वालिटी का मसाला होता है, उस चीज़ को हम खरीदते हैं। अरे वाह सर। और उसी से हम बनाते हैं। अच्छा। और आप खुद भी खा के देखिएगा, सबसे बेटर तो बिल्कुल सर, हम खुद खाएंगे। और सर, आपको कॉन्फिडेंस देख के मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं किसी से बात करूँ। रियलिटी दोस्तों बहुत ही बढ़िया, और जैसे कस्टमर्स ने बताया और राम रतन जी ने हमें खुद बताया, मैं तो अभी से इनकी बातों से इम्प्रेस हो गया हूँ। चलिए, मैं तो ये कहूँगा कि प्रैक्टिकल सबसे बेहतर है। बिल्कुल सर, सही बात है। बिल्कुल, जो भी मेंबर इस चीज़ को देखेगा या सुनेगा या आप लोग ये जी सर, जब तक खुद खा के नहीं देखें, मेरे कहने पर ना जाएँ, खुद अपने आप प्रैक्टिकल करके खा के देखें। जी सर, बिल्कुल। बाकी हमारे यहाँ पे सुबह से शाम तक रश लगा रहता है, ये मेन बस स्टैंड है रामा बिहार का। अच्छा। यहाँ पे हमारी ये शॉप है। जी सर। कस्टमर गाड़ियाँ आती हैं मेरे पास में, यहाँ तक क्या
रोहतक तक हमारा माल बन के जाता है। अच्छा। और इधर पलवल तक जाता है, राजौरी गार्डन, मायापुरी के लोग यहाँ पे आते हैं, रोहिणी 24-25 सारा रोहिणी का सेक्टर यहाँ पे आता है, गाड़ी इधर खड़ी करके संडे में तो यहाँ पे लाइन लगी होती है। अच्छा, क्या बात। सब लोग बड़ी खुशी के साथ आते हैं और हम सबका स्वागत करते हैं। और मैं और सबको भी कहूँगा आप लोग भी आए और टेस्ट करें, अच्छी चीज लगे तो आगे भी खाएं। बिल्कुल सही बात, क्या बात है दोस्तों, काफी बातें हुई है। और चलिए अब सीधा समोसे पे आते हैं, आपको प्रिपरेशन दिखाएंगे कि कैसी प्रिपरेशन है यहाँ पे, और आपको मसाले वगैरह सब दिखाएंगे यहाँ पे पूरे एक एक के साथ। चलिए आइए, अब हम भी ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे कैसा स्वाद है। दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे पूरा समोसे की रेसिपी जो हमारे सामने ला रहे हैं, और अभी तक जो इसमें डाला है ऑयल, जीरा, हल्दी, अरे मटर, क्या बात है सर, मैंने आज तक अभी ऐसे समोसा बनते नहीं देखा। राम रतन जी का मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा जो इन्होंने पूरा अपना प्रोसीजर दिखा रहे हैं, वरना दोस्तों। और ये बेसन सर, आप बता दीजिए सर आप क्या क्या डाल दें। क्या बात है, ऐसी मेकिंग तो आपने कहीं भी नहीं देखी होगी दोस्तों, है ना, समोसे की। और यहाँ पे हर बारी फ्रेश समोसा बनता है, आप जब भी आओगे उसी टाइम पर आपको मिलेंगे। मुझे बहुत टेस्ट लगेगा यहाँ पे, क्या बात, पूरा आप देखेंगे ग्रेवी काफ़ी डार्क हो गई है, गाढ़ी गाढ़ी हो गई है पूरी, इतनी मसाले इन्होंने ऐड करे। चलिए आइए अब नेक्स्ट शॉट में चलते हैं, जहाँ पे दिखाएंगे आपको और क्या डलता है। दोस्तों अब डल गए ऊपर से आलू हमारे, आप देख सकते हैं जो मसाला इन्होंने रेडी करा था पूरा, अब उसके ऊपर आलू डाल दिया, पूरा मिक्स हो जाएगा, आप देख सकते हैं अपने नज़र से। और ये मुझे लग रहा है सर ये एक बारी में कितने समोसे हो जाते होंगे, इतने हिसाब से बनाए इसमें कम से कम 150 समोसे, बहुत तेरी, क्या बात है, 150 समोसे, मतलब हर बार 150 समोसे एक बारी में निकालते हैं, नहीं उससे भी ज़्यादा है, कंडीशन के ऊपर है। अरे क्या बात है, 200 अच्छा 500 तक की, अरे वाह सर 500 समोसे एक बारी में दोस्तों, क्या बात है। नमक, मैं इतने समोसे खा चुका हूँ पर ऐसी मेकिंग तो मैंने कहीं भी नहीं देखी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि थैंक्स, ये हमारा मेन मसाला है। अच्छा सर मैं पूछूंगा तो नहीं इसकी रेसिपी क्या है, ये मैं बताऊंगा भी नहीं ये मैं बताऊंगा जी सर, क्या बात, यही हमारा समोसा है, क्या चीज है। अच्छा क्या बात है, बहुत बढ़िया दोस्तों आप देख सकते हैं, और अभी तक इतनी बढ़िया खुशबू आनी स्टार्ट हो गई मसालों की, यार गजब है, हमें कितनी बढ़िया जगह मिली है आज, हमें मज़ा आ गया सच में। चलिए आइए नेक्स्ट शॉट में आते हैं आपके पास और दिखाएंगे और क्या क्या ऐड होता है। तो दोस्तों यहाँ हमारा कंप्लीट आलू का मसाला रेडी हो चुका है, और आप देख रहे हैं ट्रे में लग रहा है अभी, और आगे जाके ये समोसे के आउटर लेयर के अंदर फिल होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं मसाला हमारा कंप्लीट रेडी हो चुका है, और अब ये समोसे के आउटर लेयर में फिल होगा। तो एक तरीके से हमने आपको पूरा दिखा दिया कि समोसे बनाते कैसे हैं, क्या बात है। और यहाँ की समोसों की शेप आप देखोगे तो दूसरों से काफ़ी अलग है, ये तो नीचे की जो लेयर होती है वो अलग से चौड़ी सी होती है, बट यहाँ पे आप देखोगे मोदक की शेप जैसी लग रही है, थोड़ी शेप में थोड़ा फ़र्क है यहाँ के समोसों में, क्या बात है। एक तो साफ़ सफाई के साथ यहाँ काम चल रहा है। अब चलिए समोसे बनने रेडी हो गए, अब आपको चलते हैं जब ये कढ़ाई के अंदर जाएंगे। दोस्तों आज भाई दूज का त्यौहार है, आई नो ये वीडियो आपके पास थोड़ी लेट पहुंचेगी, बट आज हमने सोचा कि यार इस भाई दूज के त्यौहार पे कुछ स्पेशल किया जाए। तो दोस्तों हमें मिले हैं एक स्पेशल पर्सन, मिले आपने सर, नाम बताएंगे आपने। मेरा नाम मोहसिन है। मोहसिन, तो मोहसिन जी आज भाई दूज है, मनाया नहीं आपने अपनी बहन के साथ? मनाए हैं। अच्छा, तो देख रहा था मैं आप रेडी पे जा रहे थे, काफ़ी थके हुए जा रहे थे, तो थकिया नहीं है, जा रहे काम पे हैं। अच्छा, काम करने काम पे जा रहे हैं। तो सर भाई दूज के त्यौहार पे ये हमारी तरफ से दुखी राम का समोसा आज हम वीडियो बना रहे हैं, एक समोसा आपके लिए हमारी तरफ से सर, आप हमारे सामने खाइए और आप बताइए टेस्ट आपको कैसा लगा एक बार, तो वो टेस्ट करके बताइए सर हमें। दोस्तों खुशी होती है ऐसे काम दिल से करने से, और आप ही ने कमेंट्स में बताया था कि, और लिटरली मैं चाह रहा था करना, और आज जितना हमसे हो पा रहा है उतना पूरी कोशिश करेंगे जितना बनता है उतना। कैसा लगा सर समोसा, कैसा लगा? बढ़िया सर। तो भाई दूज का त्यौहार बहुत मुबारक सर, खुशी बनाइए और खाइए समोसे, ठीक है।
ओके सर, दोस्तों आइए, दोस्तों आइए, हम एक और जने मिले हैं। हेलो सर, सर नाम बताएंगे आपने? माधव महतो। तो महतो जी, आज जैसे कि आप जानते हैं भाई दूज का त्यौहार है, बहुत बड़ा त्यौहार है, मनाया आज अपने बहन के साथ? मनाया। काफ़ी मेहनत करके आप आ रहे हैं। तो सर एक हमारी तरफ से एक छोटा सा आपके लिए है ये गिफ्ट, ये दुखी राम जी के समोसे की दुकान है। अच्छा, तो ये हमारी तरफ से आपके लिए एक समोसा है सर। अच्छा, तो खाइए सर और त्यौहार और खुशियाँ मनाइए। ओके, बिल्कुल सर, थैंक यू सर। आइए दोस्तों, अब चलते हैं और हम खुद भी टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कैसा स्वाद है। तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं हमारे समोसे डीप फ्राई होने जा रहे हैं, और ये सिर्फ कितने समोसे हुए ट्रे में करीब? 150 समोसे। और मैं हाफ एन आवर पहले आया था दोस्तों, आधे घंटे पहले आया था, 110 समोसे तब जस्ट निकले थे और अब वो ख़त्म भी हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं यार, यहाँ पे मतलब बहुत फ्रेश मिलने वाला है आपको। जैसे कि हमें बताया सर ने कि एक घंटे से ज़्यादा यहाँ समोसे रखे नहीं जाते, उससे पहले ही सारे बिक जाएंगे। तो मैं काफ़ी इम्प्रेस हो गया, ना सिर्फ इन दुकान से बल्कि मैं सर की बातों से भी काफ़ी इम्प्रेस हो गया। चलिए आइए, अभी जब समोसे डीप फ्राई हो जाएंगे तब आपके पास वापस लौट दें। दोस्तों ये देखिए, अब हमारे समोसे निकलने स्टार्ट हो गए हैं। और दोस्तों ये देखिए, समोसे निकलने स्टार्ट हो गए, पहली प्लेट तो भर गई थी, दूसरी प्लेट में फिल हो रहे हैं। 150 समोसे एक प्लेट में कहाँ पाएंगे, है ना? क्या बात है, गर्मा गर्म समोसे। पर एक यूनिक शेप है बिल्कुल ही, मतलब ऐसी शेप आपको कहीं और नहीं मिलने वाली हमारे समोसे। चलिए आइए, अब हम चलते हैं, प्लेट लेंगे और समोसा टेस्ट करके आपको बताएंगे। दोस्तों ये आ गए हमारे दुखी राम के समोसे, क्या बात है। और सबसे यूनिक तो यहाँ पे आपकी शेप तो लगी रही थी यहाँ पे। चलिए अब मैं ज़्यादा पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और सीधा हम करेंगे टेस्ट। बहुत गर्म है पर यार, अभी तो कोई नहीं, आपके लिए थोड़ा हाथ तो चला ही सकते हैं। ये देखिए अंदर की स्टफिंग, इनके स्पेशल मसाले हैं। और दोस्तों खुशबू से ही ना मुझे अजवाइन का भी सही टेस्ट आने लग गया है, इसकी खुशबू में ही अजवाइन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ का खुशबू। चलिए ये गर्म है यार, पहले लेंगे हम लाल चटनी के साथ। दोस्तों आलू की स्टफिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से है, आलू बहुत ही सॉफ्ट है लिटरली। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, जो इन्होंने शेप दिया ना लक्ष्मी, इस शेप से एक चीज हो रही है कि जो नीचे का है शेल, आउटर शेल जो है, ये वाला काफ़ी हार्ड हो गया। तो काफ़ी समोसों में जब वो चौड़े वाले होते हैं उसमें शेल काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं, तो समोसा अगर क्रिस्पी हो ना बाहर से, मज़ा तो उसी का ही आता है ना। तो ये पूरा समोसा क्रिस्पी है, ये इसमें सबसे बेस्ट पार्ट लगा मुझे। और इनका जो स्पेशल मसाला था उनका अलग सा ही टेस्ट आ रहा है। आइए हरी चटनी के साथ भी ट्राई करेंगे पहले। बहुत ही बढ़िया यार, इनके समोसे में ना आपको क्वालिटी फील होने वाली है, टेस्ट में बहुत ही गजब है, कुछ भी कमी नहीं आता है, साफ़ सुथरे आप बिल्कुल। और मसाले तो इन्होंने बताए नहीं, रेसिपी कोई भी नहीं बताएगा, बट कुछ अलग बात है, बहुत ही अलग बात है। यहाँ पे आप आइए दुखी राम पे, ट्राई करिए और लिटरली आपको बहुत अच्छे लगने वाले हैं समोसे। दोस्तों दुकान की टाइमिंग हम आपको स्क्रीन पर आपको दिख गई होगी अभी, तो वो दुकान की टाइमिंग है, और हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी इसका दे देंगे अपनी डिस्क्रिप्शन में, आपको सब कुछ पता चल जाएगा दुकान के बारे में। यहाँ पे फ़ोनपे और पेटीएम भी आप यूज़ कर सकते हैं, भीम UPI सब कनेक्टेड है यहाँ से, देखिए सारे पेमेंट मेथड्स हैं यहाँ पे, तो आप कनेक्ट करिए, स्कैन करिए, पे करिए, आपको पेमेंट में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इनकी इतनी ब्रांचेस है दिल्ली में कि आपके घर के आसपास ज़रूर एक ना एक ब्रांच ज़रूर होगी इनके, आप सर्च करिए और हमें बताइए टेस्ट करके कि आपको कैसा लगा यहाँ का। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू यहाँ का, और हमने पूरी कोशिश करी कि हमने आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ यहाँ पे दिखाई। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सपोर्ट दिखाएं दोस्तों, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है अभी हमें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं आपके साथ फिर बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ।